नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लोरिंग हाइलाइट्स में। तो जैसा कि आपने कुछ व्लॉग्स पहले देखा था कि हम लोग ने सिंगापुर घूमा और उसके बाद हम लोग फ्लाइट लेके एक जगह आए, वो है बाली। बाली में अभी समय है लगभग 7:30 बजे और हमारा फ्लाइट लैंड हुआ है। यहाँ से हमारा होटल जो कि बाली के उबुद में है वो लगभग 1 या 2 घंटे दूर पे है। बाली इंडोनेशिया कंट्री में आता है। हम लोग बाली में लैंड तो हो गए हैं, अभी हमें इमिग्रेशन करने का है और उसके लिए शायद यहाँ से लेफ्ट जाके और सीधा जाना पड़ेगा। देखने में ये एयरपोर्ट बहुत ही आर्टिस्टिक टाइप का लग रहा है, बहुत ही कल्चरल टाइप के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मौजूद है। अभी हम पहुँच गए हैं उस जगह पे जहाँ पे हमारा इमिग्रेशन होगा और हमारा पासपोर्ट वगैरह दिखा के यहाँ पे इमिग्रेशन कंप्लीट करना होगा। तो चलिए फटाफट इमिग्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं। इमिग्रेशन कंप्लीट करके हम लोग ने हमारे ड्राइवर पुटू को कॉल किया। एक्चुअल में ये बाली ट्रिप हम लोग ने खुद ही प्लान किया था, तो इंडिया से ही हम लोग ने एक ऑनलाइन में ड्राइवर देखा जिनका नाम अगस्त था और उन्हीं का ही भतीजा जिसका नाम पुटू है वो हमें आज रिसीव करने आया है। पुटू से हम लोग मिल चुके हैं और वो अभी अपना गाड़ी लेने गया है, तो गाड़ी आते ही हम लोग चल देंगे उबुद की तरफ। तो अभी हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और पुटू गाड़ी चला रहा है। हम लोग को उबुद पहुँचते पहुँचते लगभग 2 या 2.5 घंटे हो जाएगा जो कि पुटू से पता चला हमें। तो उबुद में होटल पहुँचते पहुँचते लगभग रात के 10 बज चुके थे और हमने कुछ खाया भी नहीं था, तो हम लोग डायरेक्ट चले आए होटल के ही रेस्टोरेंट में। यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ खा के हम लोग डायरेक्ट रूम का चाबी लेके रूम के अंदर चले जाने वाले हैं। तो टायर्डनेस के वजह से हम लोग बहुत जगह व्लॉग करना भूल जा रहे हैं, पर ये हमारा रूम टूर है। इस रिज़ॉर्ट का नाम है अशोका ट्री रिज़ॉर्ट और ये उबुद में ही स्थित है। यहाँ पे हमने आज सिर्फ आज ही के दिन के लिए बुक किया हुआ है। रूम काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू जो हम लोग सिंगापुर में रहे जिस होटल्स में। बाली में होटल का दाम बहुत ही सस्ता है, तो आप लोग अगर रिजॉर्ट में भी रह रहे हो उबुद में तो ये लगभग आपको 2000 या 3000 INR में मिल जाएगा। इस रिजॉर्ट में थोड़ा बहुत वाईफाई का इश्यूज है आज के दिन, बट देखते हैं आज का दिन मैनेज हो जाएगा। यहाँ पे एक बड़ा सा बैल्कनी भी है और कबर्ड वगैरह डिसेंट दिया हुआ है। सामान वगैरह जस्ट जितना लगेगा उतना ही ओपन करेंगे और यहाँ पे है एक बड़ा सा बाथरूम। गुड मॉर्निंग आप सभी को उबुद से। अभी बजे हैं सुबह के 5 और हम लोग ने पुटू को बोला है कि 6:30 बजे तक वो आ जाए ताकि आज का दिन बहुत जल्दी हम लोग शुरू कर सके। ये है हमारे रिजॉर्ट के बैल्कनी से व्यू जो कि एक स्विमिंग पूल व्यू था। यहाँ पे बाली में सारे रिजॉर्ट्स थोड़ा आर्टिस्टिक वे में सजाया गया है। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 6 और हम लोग रिसेप्शन में आ चुके हैं चेकआउट करने। तो थोड़ा बहुत हम लोग ने लास्ट वीडियोस यहाँ पे लिया है अशोका ट्री रिजॉर्ट का। मैं और अर्पिता दोनों ही मॉर्निंग पर्सन नहीं है, लेकिन आज क्योंकि हमें जल्दी उठना पड़ा ये सुबह बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो रिसेप्शन एरिया में डेकोरेटिव ओरिजिनल प्लांट से ये सब सजाया गया है जिसके ऊपर बहुत सारे फूल भी लगे हुए हैं। जितना कि हम लोग ने देखा है पूरा बाली नेचर के बहुत ही करीब है, तो आप अगर नेचर बहुत पसंद करते हो तो बाली में ज़रूर विज़िट करना। ये रहा इस रिजॉर्ट का स्विमिंग पूल और सामने वो चाइल्ड पूल भी है। तो चलिए अभी जाने का वक्त आ गया है। इस रिजॉर्ट में बहुत ही छोटा सा स्टे था लेकिन बहुत अच्छा था। हमारे पुटू भाई बाहर आ चुके हैं ये हमें पता चला, तो लास्ट कुछ वीडियोस लेके हम लोग निकलते हैं। तो पुटू के साथ हम लोग निकल पड़े हैं उबुद का भ्रमण करने। तो उबुद के इस मार्केट एरिया से होते हुए हम लोग जा रहे हैं हमारे पहले डेस्टिनेशन जिसका नाम पूरा एम्पल टेम्पल है। तो जाते जाते पुटू ने बताया कि सामने जो दिख रहा है ये है उबुद पैलेस।
हालांकि इंडोनेशिया कंट्री में अधिकतर लोग मुस्लिम हैं, पर इस बाली द्वीप में आपको हिंदू की तादाद बहुत ज़्यादा मिलेगी और यहाँ पे मंदिर भी बहुत सारे हैं। उबुद की इन तंग गलियों से होते हुए हम लोग जा रहे हैं अपने पहले मंदिर को देखने के लिए। हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं में जैसे रामायण महाभारत, वहाँ पे भी इंडोनेशिया का बहुत नाम है। इन गलियों से होते हुए अभी तो हम लोग जा रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि दक्षिण भारत के किसी राज्य की गलियों में है। जितना अभी तक मैंने बाली को देखा, ऐसा लग रहा है मानो हम लोग हिंदुस्तान में ही हैं। यहाँ के लोगों ने सुबह सुबह ही अपनी दुकानें खोल लिए हैं। अभी हम लोग गोल गोल घूमते हुए घुमावदार रास्ते हैं बहुत, और इन जंगलों से होते हुए तीर्था एम्पल टेम्पल के और भी नज़दीक जाए जा रहे हैं। बाली में ये सुबह का मौसम बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है, मानो किसी जन्नत से कम नहीं। घर भी यहाँ का बहुत ही आर्टिस्टिक वे में है, जैसे मान लो बहुत सदी पहले हिंदुस्तान में हम लोग आ गए हो। खेतों में हम लोग ने चावल की खेती बहुत अधिक देखी है यहाँ पे, तो थोड़े ही देर में हम लोग पूरा तीर्था एम्पल टेम्पल पहुँचने वाले हैं, तो देखते हैं उस टेम्पल का कैसा माहौल रहता है। सुबह की ताजगी और मंदिर का पवित्र दर्शन एक अद्भुत संगम है। अभी हम लोग इस मंदिर के पार्किंग लॉट में हैं, और एक बहुत विशाल पार्किंग लॉट के साथ ये मंदिर टूरिस्ट को निमंत्रित करता है। ये एक छोटा झरने का पानी टाइप्स है जो मंदिर के बाजू से होके गुजरता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बाली। तो आज हम आए हैं सबसे पहले पॉइंट में। ये एक टेंपल है जिसका नाम है पूरा एम्पल टेंपल। तो अभी इट्स 7 o'clock और टेंपल जस्ट खुला है, तो आई थिंक हम लोग वी आर द फर्स्ट वंस टू गो इनसाइड, और अभी तक टूरिस्ट का क्राउड इतना आया नहीं है, तो चलिए अंदर चलते हैं। हम लोग अभी जो एम्पल टेंपल में आए हैं, इट्स तीर्था एम्पल टेंपल, एंड अंदर हम लोग जाएंगे अभी। तो यहाँ पे बालीनीस स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर बहुत देखने को मिल रहा है, अंदर भी वैसा ही हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे रास्ते में आते वक्त हम लोग ने बहुत सारा राइस फील्ड देखा। सुबह सुबह हम लोग अभी बजा है 7 o'clock एंड दिस टेम्पल ओपन्स एट 7, तो अभी अंदर जाके हम लोग देखते हैं, शायद एक स्प्रिंग है जो कि वेरी होली स्प्रिंग जिसको बोलते हैं, तो अभी वो अंदर जाके हम लोग जस्ट कवर अप करेंगे। तो यहाँ का फॉरेन एंट्री फीस एडल्ट्स के लिए है 50,000 इंडोनेशियन रुपए। मंदिर के अंदर घुसते ही हम लोग को बहुत सारा यूनिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिला। यहाँ जितना भी हमने देखा, सारे स्कल्पचर्स को भी सैरोंग पहनाया जाता है, जो कि लोअर हाफ ऑफ द बॉडी में पहनते हैं। यहाँ जब हम लोग पहुँचे तो सुबह 7 बजे है, तो इसीलिए मंदिर का क्लीनिंग भी चल रहा है। ये है इस मंदिर का मेन गेट, जहाँ पे दो तरफ दो बहुत ही अद्भुत स्कल्पचर्स मौजूद है, और पास से देखने में ये स्कल्पचर्स बहुत ही यूनिक डिज़ाइंस के हैं। मतलब मैंने कार्विंग देखी है तो बहुत ही अच्छा कारीगरी किया हुआ है इसमें। तो अभी हम लोग जा रहे हैं होली स्प्रिंग की तरफ, जिसका ये गेट है। सुबह सुबह ये छवि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ पे बलिनीज हिंदूज आते हैं रिचुअल प्यूरिफिकेशन करने के लिए, जिसका नाम है मेलुकट। इन सब के नीचे आपको खड़े होके स्नान करना पड़ता है, और सारे का अलग अलग मतलब है। जैसे अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसका एक स्पेसिफिक होगा। जैसा कि आपको बता दूं कि हम लोग मॉर्निंग पर्सन नहीं हैं, बट आज सुबह सुबह उठ के हम लोग नहा के यहाँ पे आए हैं, इसीलिए हम लोग ने होली स्प्रिंग में और स्नान नहीं किया,
अभी मंदिर के अंदर आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे जिस भी स्कल्पचर को देख रहे हैं उसे सैरोंग पहनाया गया है, और यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है जहाँ पे लेडीज़ को अपने बाल बांधने पड़ेंगे और उसके लिए रबर बैंड भी वहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे पेट से बने हुए कुछ चटाई टाइप इन लोग लेके जा रहे हैं, कोई मंदिर का ओकेजन होगा जिसकी वजह से इन लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि हमें पता चला ये मंदिर हिंदू गॉड्स के ऊपर ही बनाया गया है, हालांकि स्ट्रक्चर्स थोड़े अलग है जैसा कि हम लोग इंडिया में देखते हैं, पर कहीं कहीं हम लोग को पहचान में भी आ रहा है कि कौन से भगवान हैं। ये मंदिर का स्ट्रक्चर बहुत ही पुराना है, जैसा कि हमें पता चला कि 1962 AD पे ये बनाया गया है और तब के वर्मा देवा डायनेस्टी ने ये कंस्ट्रक्शन किया था। अभी की सुबह के टाइम में हालांकि ये खाली है पर बाद में ये भर जाता है, तो हम लोग बाहर आ चुके हैं अभी। जल्द ही हो गया हमारा यहाँ का दर्शन, तो अभी पूरा तीर्था एम्पल टेम्पल से बाहर निकल के हम लोग जा रहे हैं राइस फील्ड्स देखने। अगर आप लोग बाली के बारे में जानते हो और उबूत के बारे में स्पेशली, तो आपको पता होगा कि तेगालांग राइस फील्ड यहाँ सबसे फेमस है, बट यहाँ का एंट्री कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है, जो कि 500,000 से 600,000 इंडोनेशियन रुपए तक होता है। हम लोग यहाँ पे गए तो थे, पर एक तो भीड़ थी और दूसरा प्राइस हाई के कारण हम लोग ने डिसाइड किया कि कोई और राइस फील्ड में चलते हैं। हमारे ड्राइवर भाई पुटू ने सजेस्ट किया कि सामने ही एक कॉफ़ी प्लांटेशन है विथ राइस फील्ड्स, तो अभी हम लोग वहीं आए हुए हैं जिसकी एंट्री में ही बहुत ही नेचुरल एंड अमेजिंग प्लांट्स के लुक है, और यहाँ पे लोटस प्लांटेशन का भी किया हुआ है। इस जगह का नाम उमा पकेल है, तो अगर आप लोग आ रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर से आना। यहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन के बारे में भी बोला गया है। अगर आपने कभी लेवाक कॉफ़ी के बारे में सुना है तो आपने सुना होगा कि ये सबसे महंगा कॉफ़ी है पूरी दुनिया में, और इसी कॉफ़ी को यहाँ पे बनाया जाता है, और जैसा कि पुटू ने कहा कि ये एनिमल पूप से बनाया जाता है, तो अभी हमें एक जन गाइड करेंगे कैसा ये प्रोसेस है उसके लिए। And this animal in English called Sipet cat. Sipet cat. And this animal is produce the most expensive coffee in the world. So okay. How they make it? So this animal normally they are first they find like the coffee berries and they will selected the red berries. Okay. And also they selected the best one, the best berries of the coffee. So after they selected they eat like they chew and after that they eat like swallow whole bean. Okay. And then it's going to the stomachs of the luwak. Okay, okay. So after in the stomachs of luwak, around 8 until 12 hours is the fermentation by the enzyme of the this animal. Mm-hmm. And then food is drop it. Mm. So when food is drop it like that one, so some food is drop it that. Mm. So we take it the coffee bean from this animal poo. And the coffee bean is not digested inside of the stomachs of luwak. Okay. Mm-hmm. So the bean is coming out. So the fermented bean. Yeah, the fermented bean. Yeah, fermented bean. Ah. And the bean is like this one. The coffee bean. Mm. Like the coffee bean in the poo. Okay. Yeah, this one is the poo of luwak when they eat coffee. But this animal also eat the other fruit like papaya, banana and also mango. Mm-hmm. So the taste of the coffee is changing. So between fruit sour flavor. And bitter. Like that. And on the last of the taste, normally like the sweet and fruity, like sweet. Okay. Mm-hmm. Like this one. This one is the poo. So after we get like this, we clean with the hot water. Okay. A few times until all is clean and no bacteria. So this one is dry bean, the coffee. Okay. And the dry bean of coffee or the coffee bean has two protection skin. Like the first one, like this.
Oops. No, it's okay. And then the second one, so normally we clean with the pressed water. So normally the color is green, like inside like this. So actually the bean inside is not contact with the food. Okay. So it's still clean. So after all is clean and dry, so next processing into the roasting process. Roasting process. Yeah. So before into the roasting process, we produce the tea as well. So like herbal tea. We have this the fruit, the skin of fruit. Mangosteen. So mangosteen. Skin we produce for the tea. So we dry first and make powder. No. So this one is not mixing with luwak. This one is different. And we have the turmeric. Yeah, turmeric or haldi. Yeah, turmeric and then rosella or the hibiscus. Lemongrass is and also the ginger. This one is ginger. Normal ginger. Yeah, master chef এর একটা ingredient ছিল. এটা কোকো বিন. এমন থেকে কড়ুয়া চকলেট বের হয়. So we use the firewood for heating the pan. And the pan we used in here is the clay pan. And we steam around 45 minutes for 1 kilogram of coffee bean. And then when done, the roasted coffee bean like this. This one is from the animal or the luwak coffee. Any other help us from we get the poo or the from the bean from the poo until blended like this, all is manual. And then filtering process. And this one is coffee powder. Yeah, like fine powder. And this one is cancer bring instant, like instant coffee. Like take it one. तो यहाँ पे हमने देखा कॉफ़ी बनने का प्रोसीजर. और जैसा कि अगर शॉर्ट में कहूँ तो ये एक एशियन किवेट करके एनिमल है जिनको कुछ बेरीज है यहाँ का जो खिलाया जाता है. और उसके पेट में जो वो फर्मेंट होके बाहर उसकी पूप से निकलता है उससे फिर उन लोग कॉफ़ी बीन कलेक्ट करके उसके आउटर स्किन निकाल के और फिर उसे रोस्ट करके कॉफ़ीज़ बनाते हैं. और मैं आपको कह दूं, अगर आपको ये सुन के घिनौना लग रहा है तो ये दुनिया का सबसे महंगा बिकने वाला कॉफ़ी है जिसका नाम है कोपी लिवाक. तो हम अभी नीचे उतर के आ चुके हैं राइस फील्ड्स देखने. और यहाँ से राइस फील्ड का बहुत ही अमेजिंग व्यू नज़र आता है. तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, यहाँ के राइस फील्ड्स के साथ आपको मल्टीपल एक्टिविटीज़ भी करने को मिलता है. तो यहाँ पे झूला झूलने को भी मौका मिलता है जो कि राइस फील्ड्स का व्यू के साथ आप झूलोगे. और साथ ही साथ इसका फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कर सकते हो. तो अभी हम यहाँ का और एक एक्टिविटी एक्सपीरियंस करने वाले हैं जो कि है टी टेस्टिंग. तो यहाँ में डिफरेंट टाइप के टी उन लोग बना के आपको टेस्ट करवाते हैं. And then good for the skin because with the antioxidant, and then for the anti-cancer, prevent the diabetic, and also for the skin. And the lemongrass tea, mostly that one is good for the stomachs. I feel like poison food, like unwell for the stomachs, drink that make better normally. And then rosella tea make a lower of cholesterol and blood circulation. And then spice tea, that one is not spicy. So that one is blend between turmeric and tamarind. That is good for anti-inflammatory or anti-inflammation and for women during period. And the last one is ginger tea. Ginger tea is for immune system. And for coffee, we have five of coffee, that one. We have the Bali coffee, the black one. It's made from Arabica coffee bean. And then avocado coffee, we blend avocado, coffee and creamer.
and avocado coffee. The benefit is good for make a lower of the high blood pressure. Mm-hmm. So we blend that one with the coffee and then a coconut cream. Mm. And then we have ginseng coffee. So ginseng coffee, that one is good for energy or the power. Oh. Normally for the honeymoon. Mm-hmm. What we call honeymoon coffee. Oh. Yeah, papa drink, mama happy. Mm. And the last one is the vanilla coffee. We blend with vanilla coffee and creamer. तो सारे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के बाद हम लोग अभी आ गए हैं इनके स्टोर में, जहां से आप लोग कॉफ़ी या तो टी जो हम लोग ने टेस्ट किया वो आप ख़रीद के ले जा सकते हो अपने घर के लिए। यहां पे गिफ्ट्स में आपको अगरबत्तियां भी मिलेगी, तो आप लोग अगर चाहो तो अपने घर के पूजा स्थान के लिए ले जा सकते हो। तो आज का व्लॉग हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल एक्सप्लोरिंग हाइलाइट्स को। हमें कमेंट में लिख के बताना आप लोग कि कैसा लगा आपको ये व्लॉग। जल्दी मिलेंगे बाली के कंटिन्यूएशन व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अलविदा।